ठीक है। एकदम फुल वाइट है ये देखिए, ये आपको ये वाइट से ना थोड़ा सा भारी है, तो देखिए एकदम प्योर ब्लैक है, ऐसा शाइनी ब्लैक जल्दी देखने को मिलता नहीं है। अगर मीडियम साइज में जो भी लेना चाहे वो आ सकते हैं। हे गाइस, दिस इज अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आउट फॉर व्लॉग। सो गाइस, आज 21 अप्रैल संडे 2024 और फिर से निकल चुके हैं एक और नए व्लॉग के साथ। फिलहाल अभी हम लोग हैं 7 पॉइंट का ये पेट्रोल पंप में, ठीक है, ये देखिए आपका 7 पॉइंट, और अभी हम लोग जा रहे हैं पगलाहट। पगलाहट में एक नया खटाल का व्लॉग बनाने के लिए, और ये जो खटाल है ये खटाल ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा खटाल है, और इसमें जो कलेक्शन है वो मीडियम साइज़ का ही कलेक्शन होता है, बड़ा गाय उसके पास नहीं है, ठीक है, मीडियम साइज़ का गाय उसके पास बहुत है। खटाल का नाम क्या है वो भी आपको वहाँ जाके बताएंगे, खटाल का ऑनर कौन है वो भी बताएंगे, किस तरह का माल है सब आपको दिखाएंगे सीधे पगलाहट में। कौन सा रूट से जाएंगे, रूट भी आपको इससे पहले वाला व्लॉग में मैंने बता दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक जो है आई बटन में हम दे देंगे, स्क्रीन में शो करता होगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना रूट। सेम रूट से जाएंगे आपका माँ फ्लाई ओवर फिर बसंती आएंगे, तो सीधे आपसे मिलते हैं पगलाहट में, ठीक है। फाइनली पहुंच गए पगलाहट खटाल, ये देखिए ये वही वाला मेन पॉइंट में, ये रहा अलिफ कैटल फार्म सामने में, और इससे पिछले वाला व्लॉग मैंने इसी गाय के ऊपर बनाया था ये सब का, और आज जो व्लॉग बनाने वाले हैं आपको पहले उसका रूट दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो खटाल है वो यहाँ से थोड़ा सा अंदर में है भाई, यही वाला रास्ता है, यही वाला रास्ता से आपको जाना है, ठीक है, तो आप फॉलो कर लेना, जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे आपको देखना है, तो आप देख लेना कहाँ कहाँ जाना है। इसके अलावा अगर रास्ता नहीं समझ में आएगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हम दे देंगे, आप कांटेक्ट कर लेना, वो आदमी जो आपको इसी मोड़ से क्रॉसिंग से, ठीक है, आपको यहाँ से लेकर चले जाएगा अंदर, ठीक है। तो भाई देख लीजिए आपको यहाँ से एकदम सीधे जाना, ठीक है, रूट आप देखते रहिए, ठीक है, यहाँ से आपको लेना है लेफ्ट, ये रास्ता जैसे जैसे टर्न हो रहा ना वैसे ही, यहाँ से फिर आपको लेना है राइट, ये देख लीजिए आप जैसा रूट जैसे जाएगा वैसे आपको जाना है। देख लीजिए ये ब्लू कलर का घर है, इसके बगल से आपको सीधे जाना है, ये
ये रूट का स्किप मत करना, बट अगर आप स्किप कर देते हो तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको सीधे वॉल मिलेगा, वॉल के बगल से आपको राइट ले लेना है, ये पतली गली की तरह इस तरह से जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों को लेना है राइट। ये देखिए यहाँ से अब हम लोग जैसे जैसे रास्ता जा रहे हैं ना, वैसे वैसे आपको जाना है। अगर कहीं पे टर्निंग होगा तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल ये रास्ता जैसे जा रहा है आपको वैसे ही जाना है, ज़्यादा अंदर नहीं है, बस पास में ही है, आगे है। यहाँ से देखिए लेफ्ट लेना है, जैसे तालाब आएगा ना वहाँ से लेफ्ट, उसके बाद फिर से लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद ये देखिए यहाँ से राइट, फिर आपका लेफ्ट, इस तरह से आपको चले जाना है। ठीक है, पतली पतली गली है, हो सकता आप लोगों को प्रॉब्लम हो। अगर वीडियो देखकर नहीं आ पाएँ तो डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट लेना यहाँ से, फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे और स्क्रीन में भी आप कांटेक्ट कर लेना, तो वो आदमी आपको अपना खड़ा तक लेके आ जाएगा। ये देखिए हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहीं पे हम लोग अपना गाड़ी लगाते हैं और यहाँ से आपको सीधे जाना है। देखिए यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, लेफ्ट लेके सामने में जो एक गली है राइट, राइट लेके आपको सीधे जाना है। ये देखिए तो ये कोई जंगल नहीं है, खटाल ऑलमोस्ट आ चुका है। ये देखिए ये सामने में छोटा सा नाला, ये बगल से ये वाला खटाल है। कहाँ पापा? बड़ी में। अच्छा, तो गाइस यही सब गाय है। ठीक है, तो अब आपको गाय का फ्रंट से और बैक से दोनों तरफ से आपको इसको कवर करके दिखाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पहला नंबर से यहाँ लाइन से सब गाय सब मीडियम साइज का। ये देखिए किस तरह ये सब एकदम रेडी हो चुका है, आगे से और पीछे से आप देख लीजिए। ये देखिए, चलिए आपको पहले आगे से दिखाते हैं। ये पहला नंबर है। ठीक है, और ये वाला दूसरा वाला, यहाँ का सबसे खूबसूरत इसका जो शेप है ना, काफ़ी खूबसूरत है और एकदम फुल वाइट है। ये देखिए, और ये देखिए ये आपको रेड में, ये आपको ये वाइट से ना थोड़ा सा भारी है और इसका भी शेप वगैरह बहुत खूबसूरत है। सिंग देखिए एकदम चांद की तरह है, पुट वगैरह भी ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, ये वाला देखिए, ये अभी थोड़े दिन में और रेडी हो जाएगा, तो ये जो है ना ये बाकी तीनों से ज़्यादा भारी ये वाला होगा और इसको थोड़ा सा बनने में भी टाइम लगेगा, तो हो सकता है आप लोग जब इसको देखने आए तब तक ये तैयार हो जाए। ये देखिए ये चौथा वाला, ये ग्रे कलर में, इसका हाइट माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, बाकी सब गाय में से ना सबसे ज़्यादा हाइट इसी का है और शेप आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत शेप है। ठीक है, एकदम घोड़ा का जैसा हाइट है। और ये देखिए ये ब्लैक गाइस, अगर ये वाला ब्लैक वाला बनता है ना तो क्या ज़बरदस्त होगा। ये देखिए का बॉडी का स्ट्रक्चर से ना समझ में आता है कि ये सब अगर बन जाए यार, क्योंकि ये आपको देखिए एकदम प्योर ब्लैक है, ऐसा शाइनी ब्लैक जल्दी देखने को मिलता नहीं है। अगर शाइनी ब्लैक होता भी है ना तो सीने के पास आप देखिएगा ब्राउन होता है, थोड़ा वाइट होता है, बट ये वाला पूरा फुल ब्लैक है।
इस वजह से ना ये सब गाय का थोड़ा सा डिमांड बढ़ जाता है। अभी ये वाला गाय अगर गोलवाड़ी की तरफ चले जाए ना तो उसको क्या करेगा, वो उन लोग बेचेगा नहीं, रख लेगा नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करने के लिए। तो इस तरह का गाय का जो है ना डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। और ये देखिए, ये मिक्स ब्रीड है, इसका पुट नहीं होता बट ये वेट बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए, और उसके बाद आपको ये वाला, ये देखिए ये भी काफ़ी भारी है, देखिए पूरा तैयार हो चुका है। ये जितना भी आपको दिखाया ना सब मीडियम साइज में, बट माशाल्लाह सब खूबसूरत भी हैं और तैयार हो चुके हैं। तो मीडियम साइज़ में जो भी लेना चाहे वो आ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, कोई भी तरह का सवाल हो आप उसमें कॉन्टेक्ट कर लेना, ये लोग आपको बता देंगे। और अगर ये खटाल आने में आपको दिक्कत हो तो इस जो नंबर देंगे उसमें आप कॉल कर लेना, वो आपको पगलाहाट खटाल के पास से, मार्केट के पास से आपको पिक कर लेंगे, ये खटाल में लेकर आ जाएंगे। क्योंकि जिसका खटाल है ना मार्केट के पास, जहाँ से हम वीडियो बनाए ना, तो वहीं पे वो काम भी करते हैं, तो वो आपको वहीं से पिक करके अपना खटाल लेकर आ जाएंगे, ठीक है। जो जिनका खटाल है उनका नाम है अताबुद्दीन, ठीक है। तो स्क्रीन में हम नाम मेंशन कर देंगे, अगर आप वहाँ पहुँचेंगे तो आप किसी से पूछ लेना कि भाई अताबुद्दीन भाई कौन है, उनसे मिल के बोल देना भाई आपका खटाल जाना, तो वो आपको यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी देख लीजिए ये इस लाइन का आखिरी वाला, उसके बाद आपको आगे से आप लोगों को दिखा दिए। अब ये देखिए पीछे से, ये फर्स्ट वाला बाछी है, ठीक है। अगर आप लोगों को बाछी पसंद है तो ये वाला देख लेना, ये फर्स्ट वाला बाछी है। सेकेंड वाला जो आपको वाइट दिखाए थे, ये देखिए शेप काफ़ी खूबसूरत है, पीछे से आप देख लीजिए इस तरह का शेप है, ठीक है। ये देखिए ये रेड वाला एकदम काफ़ी तंदुरुस्त है, ठीक है। और ये उसके बगल वाला रेड, ठीक है। और ये वाला देखिए, तो आप लोग हाइट देखिएगा, हाइट सबका एकदम सेम है, सब मीडियम साइज़ का है, सिर्फ ये वाला का थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखिए आपको ब्लैक वाला का आपको शेप नहीं दिखाई थे ना, ये देखिए, ठीक है, पूरा फुल ब्लैक है। अगर कोई किसी को ब्लैक पसंद है तो ये वाला आप क्या आके देख लेना, ठीक है। और ये वाला देखिए, जिसका मैंने आपको बताया था पुट नहीं है बट काफ़ी भारी है, ठीक है। ये देखिए ये भी कम हाइट है, किस तरह का, ये देखिए। अब पीछे से देखिए आप, ये आपको लास्ट वाला, और ये आपका एक छोटा सा, अगर छोटा साइज़ में आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये छोटा वाला का ये बच्चा, बच्चा देखिए काफ़ी खूबसूरत है, ये जो छोटा वाला है ये इसका बच्चा है। तो अगर आप लोगों को बच्चा चाहिए तो इसका आपको बात कर लेना, हो सकता है ये जिसका खटाल है अताबुद्दीन भाई, हो सकता है वो बेच दे। तो बच्चा एकदम माशाल्लाह तैयार है, और बच्चा काफ़ी खूबसूरत है, बच्चे का शेप भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब आपको दिखाते हैं ये पीछे वाला, ये देखिए ये सब भी है बट ये सब ज़्यादा तैयार नहीं है, ये तो छोड़ दीजिए, ये वाला तो नहीं लग रहा है कि बेचेंगे, क्योंकि ये इसका ऑलरेडी ये बच्चा है तो डेली ये दूध पीता है इसका, इस वजह से वो तैयार नहीं हो पाया, तो ये कोई ठीक नहीं बेचेंगे। बाकी ये वाला देखिए, ये वाला थोड़ा सा डाउन है, ठीक है, ये सब अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सब का भी प्रोसेस चल रहा है, ये सब बकरीद तक बोल रहे कि हो जाएगा तैयार, ठीक है। ये जितना भी आपको दिखाए सब मीडियम साइज का, ठीक है। तो ये आपका मीडियम साइज का कलेक्शन है, ज़्यादा नहीं है, आपको गिन के वहाँ से आप देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
वो छोटा वाला 10 और यहाँ पर है आपको 5, टोटल 15 गाय है। इसमें से हो सकता है कि एक दो गाय बिक्री ना हो क्योंकि वो तैयार नहीं है, उसके अलावा सब बिक्री का है। ठीक है, ये आप देख लीजिए मीडियम साइज का कलेक्शन अताबुद्दीन भाई का खटाल का। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा आपको बता रहे ये सब जो बच्चे आप देख रहे हैं ना, ये बच्चे भी बिक्री के, क्योंकि अगर इन लोग का माँ को अगर बेच दिया जाएगा तो फिर बच्चों को रखना पॉसिबल नहीं है ना, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये लोग तो अपनी माँ का दूध पीता है। तो अगर आप लोगों को बच्चा चाहिए तो बच्चा भी बिक्री का है। ठीक है, ये देखिए ये 2 वाइट में है बच्चा। ठीक है, एक आपका ये लाल में है और एक आपका ये बच्चा तो एकदम पूरा तैयार है। ये बच्चा खूबसूरत ही काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और बदमाश भी बहुत है। गाइस ये था मीडियम साइज काऊ का कलेक्शन पगलाट अताबुद्दीन भाई का खटाल का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो या परचेस करना हो कुछ भी, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर लेना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि देख रहे हो आप लोग वीडियो देख रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो, क्योंकि अब से गाय का रेगुलर ब्लॉग आएगा, क्योंकि अभी मेरे चैनल में आपको पता है मेरा चैनल ब्लॉग वाला है, तो अभी से रेगुलर अभी आपको ये गाय का ही ब्लॉग आएगा, क्योंकि अभी यही ट्रेंड चला हुआ है। अभी आपको बकरी तक गाय का हो सकता है वीडियो ज़्यादा आए, इसके अलावा और भी सारा वीडियो आता रहेगा बट गाय का हो सकता है ज़्यादा आए। ठीक है, तो जो भी काउ लवर है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन में टैप करके ऑल में कर देना, कि कोई भी वीडियो हम डालेंगे ना तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू, टेक केयर, बाय।